खबर दिन भर, मैं हूं शेख जूही। रुक करते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की। राजस्थान में मानसून विदाई के दौर में है। इस दौरान प्रदेश में बीमारियों का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है, इससे कई हिस्सों में हालात बिगड़ने लगे। वहीं अब भजनलाल सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है। इस दौरान चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश के सभी डॉक्टर और नर्सिंग कर्मियों की छुट्टियों को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। मौसमी बीमारियों पर कंट्रोल करने के लिए चिकित्सा मंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा भी की है और राज्य के बड़े अस्पताल में मौसमी बीमारियों से जुड़े हुए ओपीडी को सक्रिय रूप से चलने के निर्देश दिए हैं। फैमिली कोर्ट जयपुर ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एक तलाकशुदा महिला को पति से भरण पोषण का हकदार नहीं माना है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई महिला शादी से पहले और शादी के बाद लगातार किसी अन्य के संपर्क में रही हो और तलाक की वजह भी गैर मर्द से संबंध होना रहा हो, ऐसे में मामले में पत्नी अपने तलाकशुदा पति से भरण पोषण की हकदार नहीं हो सकती। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयान को लेकर देश में बवाल जारी है। इसको लेकर बीजेपी जमकर आक्रामक मोड में है। अब बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। सीपी जोशी ने राहुल गांधी के पासपोर्ट रद्द किए जाने की मांग को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है। इस पत्र के बाद सियासत के पारे में जमकर उबाल है। वहीं सीपी जोशी के पत्र लिखने के बाद पीसी सचिव गोविंद सिंह डोटासरा ने जोशी पर जवाबी हमला करते हुए ने चापलूस बताया है। राजस्थान में रिश्वत लेने वाले अधिकारियों पर एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। लगभग हर दूसरे दिन किसी न किसी जिले में एसीबी रेड में अधिकारियों के पकड़े जाने की खबरें आ रही है, लेकिन इसके बाद भी ये मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसी क्रम में बुधवार को एसीबी ने सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय के महिला और बाल विकास विभाग कार्यालय में रेड की और अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर तैनात रामकिशन को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। मदन दिलावर आज रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत खेडली से कोटड़ी गाँव जा रहे थे। इस दौरान टूटी हुई सड़क देखकर नाराज हो गए। उन्होंने गाड़ी रोककर अफसरों की क्लास लगाई। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर मुकेश भाटी को फोन लगाया। मंत्री ने फोन पर कहा, मैं खेडली से ग्राम कोटड़ी की मिसिंग लिंक सड़क पर खड़ा हूं। सड़क देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सड़क बनी ही नहीं है, नई बनी सड़क पूरी तरह से टूट गई है। ये गंभीर मामला है, इसकी तुरंत जांच करें, कोई भी दोषी बचना नहीं चाहिए। अजमेर की एक अदालत ने ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के हिंदू मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। अजमेर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने हिंदू सेना नामक संगठन की याचिका को अपने क्षेत्र अधिकार से बाहर बताते हुए इसे सक्षम कोर्ट में दायर करने के निर्देश दिए। न्यायाधीश प्रीतम सिंह ने वादी और अधिवक्ता को कहा कि वो डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट में वाद प्रस्तुत करें। बाड़मेर जिला कलेक्टर का चार्ज संभालने के बाद से ही टीना डाबी पुराने तेवर में नजर आ रही है। नवो बाड़मेर अभियान के तहत शहर में साफ सफाई के लिए सड़कों पर उतरी टीना डाबी ने बाड़मेर शहर के मुख्य चौराहे अहिंसा सर्कल से राजकीय अस्पताल तक की सड़क पर सफाई अभियान चलाया। इस दौरान सड़क के किनारे संचालित हो रही दुकान और ठेले संचालकों से अपने अपने आगे सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करवाने के लिए पाबंद भी किया। रोहतक के महम में एक रैली को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर जबरदस्त प्रहार किया। केजरीवाल बोले कि उन्होंने हमारी पार्टी के सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, वो हमारी ईमानदारी को चोट पहुंचाना चाहते थे, उन्होंने झूठे आरोप लगाए, उन्होंने मुझे भ्रष्टाचारी और चोर कहा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आरएसएस को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आरएसएस चूहे की तरह राज्य में घुसपैठ कर उसे बर्बाद कर रहा है, अपने अपने गांवों से उन्हें भगाएं। जम्मू कश्मीर में लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बोले कि जम्मू कश्मीर को वहां के लोग नहीं चलाते हैं, आज जम्मू कश्मीर को दूसरे राज्य के लोग चलाते हैं। हमने सोचा था कि चुनाव से पहले आपको राज्य का दर्जा वापस मिल जाएगा और यही सही तरीका होता, लेकिन पहले चुनाव करा दिए। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा आपको वापस मिले। आज खबर दिनभर में इतना ही। दिनभर की तमाम खबरों के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। शुक्रिया।